तो दोस्तों आज है तारीख 16 मार्च जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार था वो पल आ चुका है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ रेड मूवी की जिसके ट्रेलर ने धूम तो मचाई थी। अब मूवी आने के बाद लोगों के रिव्यूज़ आपके सामने आने वाले हैं। मूवी की बात की जाए तो मूवी के जो डायरेक्टर हैं हमारे राजकुमार गुप्ता जी, जिन्होंने कि इससे पहले नो वर्ल्ड किल जैसिका मूवी जैसी बनाई थी और बहुत ही खूबसूरत मूवी बनाई थी। इस मूवी की बात करें तो इसके कास्टिंग में हम देखते हैं अजय देवगन साहब है, इलियाना डिक्रूज है और सौरभ शुक्ला जी। इलियाना डिक्रूज को हम उनके बारे में बाद में बात करते हैं, पहले हम लेते हैं अजय देवगन जी को। तो उनका काम बहुत ही खूबसूरत है, एक बहुत ही ईमानदार और एक बहुत ही दमदार ऑफिसर का उन्होंने कैरेक्टर निभाया है और ये एक बहुत अच्छी ट्रिब्यूट है टू द 1981 के जो भी इनकम टैक्स ऑफिसर्स रहे थे उनके लिए। दूसरी और हम आते हैं सौरभ शुक्ला जी की तरफ, तो उन्होंने बहुत ही खूबसूरती से अपने कैरेक्टर निभाया। जैसा कि आप सब जानते हैं वो थिएटर के एक बहुत पुराने सीनियर आर्टिस्ट है और इतने खूबसूरत तरीके से अपने काम को, अपनी भूमिका को, अपनी अदा को उन्होंने दिखाया इसके अंदर, तो बहुत ही काबिल तारीफ है। इलियाना डिक्रूज जो कि मूवी के अंदर बहुत ही ज़्यादा क्यूट नज़र आई है और मूवी के अंदर अजय देवगन साहब को रेड के टाइम पर खजाना मिलता है या नहीं मिलता ये तो आपको मूवी देख के ही पता चलेगा। बट मैं इतना कहना चाहूँगा कि मूवी बहुत अच्छी है। अगर स्टार्स की बात करें तो मैं इसको 5 out of 4.5 स्टार देना चाहूँगा और आप सभी से कहना चाहूँगा कि एक बार इस मूवी को जरूर देखें और हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।